नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदा शहर में पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई इमारतें बिना पार्किंग की सुविधा के निर्माण की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। कावेरी चरण बी का प्री कमिश्निंग 15 जुलाई से होगा, BWSSB अध्यक्ष ने कहा। अब हिंदुत्व के रंग में रंगे अजित पवार, मंत्रियों और विधायकों के साथ पहुंचे सिद्धिविनायक। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार, पार्किंसन बीमारी से थी पीड़ित। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के सभी तालुकों और ग्राम पंचायत स्तर पर नगर सभा द्वारा सड़क के किनारे और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का अभियान जोरों पर चल रहा है। बीदर शहर में जो जिला का केंद्र है, वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस अभियान में शहर के फुटपाथ पर स्थायी रूप से बनाए गए शेड आदि को तोड़ा जा रहा है। इससे लोगों के फुटपाथ पर चलने में आसानी होगी। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इसकी चपेट में अधिकतर गरीब है। हालांकि इस अभियान से शहर में पार्किंग की समस्या हल नहीं होती, क्योंकि आज भी शहर में बड़े कमर्शियल बिल्डिंग, प्राइवेट अस्पताल, सुपरमार्केट सहित कई शोरूम की इमारतों में पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। नगर सभा को इस प्रकार की इमारतों के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे पार्किंग की समस्या हल हो सके। शहर के फुटपाथ पर या उसके सामने ठेला लगाकर रोजी कमाने वाले गरीब हैं। इस अभियान से इन गरीबों पर अधिक असर पड़ा है, लेकिन उन इमारतों को फर्क नहीं पड़ा जो बिना पार्किंग की सुविधा के निर्माण किए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यभर में डेंगू के बढ़ते मामलों, सूखे और बाढ़ प्रबंधन की खराब स्थिति, SSLC परिणामों में गिरावट और किसानों और वरिष्ठ नागरिकों सहित लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने में होने वाली समस्याओं को लेकर उपायुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। सिद्धरामैया ने उनके साथ 10 घंटे से अधिक समय तक बैठक की, जिसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक मंगलवार को समाप्त होगी। दिन भर चली बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने और आवेदनों का बिना किसी देरी के निपटान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उनकी ओर से कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों में परेशानी न हो। बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवेज बोर्ड BWSSB, जिसने पहले मई तक कावेरी चरण 5 का कार्य शुरू करने का वादा किया था, अब संभवतः अगस्त में ऐसा करेगा। BWSSB के अध्यक्ष वीराम प्रसाद मनोहर ने कहा कि कावेरी चरण 5 की नियमित प्री कमिश्निंग 15 जुलाई से शुरू होगी। अगस्त के पहले सप्ताह तक इसे पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। मनोहर ने बताया कि चरण बी का ऑपरेशन बेंगलुरु वासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस से पहले का उपहार होगा। एक बार चरण बी का संचालन शुरू हो जाने पर बोर्ड 110 गांवों को अतिरिक्त 775 MLD पानी की आपूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा, जिन्हें 2007 में बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका BBMP में जोड़ा गया था। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों ने जून में टीके हल्ली और ताताघुनी पंपिंग स्टेशनों पर बिजली लाइन और अन्य आवश्यक कार्य शुरू कर दिए थे। इसी तरह स्टेज बी के चालू होने की असुविधा के लिए मराठा हल्ली पुल पर भी काम शुरू किया गया और बोर्ड को 6 और 7 जून को घंटों तक पानी की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। कावेरी स्टेज बी से 4 लाख कनेक्शनों की पूर्ति होने की उम्मीद है, जिसमें वाणिज्यिक और आवासीय दोनों शामिल हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता BC पाटिल के दामाद प्रताप कुमार ने सोमवार को होनली तालुका के अरकेरे वन क्षेत्र में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वह पाटिल की बेटी सौम्या के पति थे। कथित आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। दावणगेरे जिले के होनली तालुके के कटलगेरे गांव के रहने वाले 43 वर्षीय प्रताप कुमार को अरकेरे वन क्षेत्र में एक कार में बेहोशी की हालत में पाया गया। उन्होंने संभवतः जहर खा लिया था। उसे शिवमोगा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लेने के लिए पाटिल शिवमोगा गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मैगन अस्पताल ले जाया गया। प्रताप हावेरी जिले के हिरेकेरूर में एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था, जहां उसके ससुर पाटिल का गृहनगर स्थित है। इसी बीच पाटिल ने शिवमोगा में संवाददाताओं को बताया कि प्रताप ने 2008 में उनकी बेटी से शादी की थी। वह हमारे साथ हिरेकेरूर में रह रहा था और हमारी कृषि भूमि और घर की देखभाल कर रहा था। वह सुबह हमारे घर से यह कहकर निकला था कि वह अपने गांव जाएगा। दोपहर करीब 1:45 पर उसके भाई ने मुझे फोन किया और बताया कि प्रताप ने फोन करके कहा कि
उसने कुछ गोलियां खा ली हैं। उसके भाई ने मुझे पुलिस को उसे खोजने के लिए कहने को कहा। मैंने दावणगेरे और शिमोगा पुलिस को सूचित किया। वह शिमोगा हर रोड के बीच पाया गया और उसे होनल्ली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे शिमोगा ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब कुछ महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले अब एनसीपी प्रमुख अजित पवार पर हिंदुत्व का असर दिखाई दे रहा है। अजित पवार अपने सभी मंत्रियों और विधायकों के साथ सिद्धिविनायक के दरबार पहुंचे हैं। यहां अजित पवार ने गणपति बप्पा के दर्शन किए और विनायक पूजा भी की। आइए जानते हैं अजित पवार के इस दर्शन की चर्चा क्यों हो रही है। आमतौर पर पवार परिवार अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन यह पहली बार है जब मीडिया की चकाचौंध में अजित पवार अपने सभी मंत्रियों, विधायक और नेताओं के साथ मंदिर आए हैं। अजित पवार ने खुलकर अपनी हिंदू आस्था को व्यक्त किया है। अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, मंत्री हसन मुश्रीफ, धनंजय मूड़े, सांसद सुनील तटकरे सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर के लिए 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। पार्किंसन बीमारी से पीड़ित 84 वर्षीय महिला रविवार को अलायंस एयर की उड़ान से जयपुर से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। उसके बाद व्हीलचेयर के लिए 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। विमानन कंपनी ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन ने यह भी कहा है कि वह अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही बुजुर्ग महिला के परिवार के सदस्यों के संपर्क में है और उसने इस घटना के लिए उससे पहले ही माफी मांग ली है। इसके अलावा एयरलाइंस एयर इस मामले को AISATS के साथ भी उठा रहा है, जो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता भी है। एयरलाइंस एयर के ग्राहक सेवा सहायक महाप्रबंधक मनोहर टुफची ने कहा कि कुछ गड़बड़ हुई है, हम घटना को कई पहलुओं से देख रहे हैं। इसके अलावा हम ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी AISATS के साथ भी मामला उठा रहे हैं, जिसे यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराना था। टुफची ने कहा कि उन्होंने बुजुर्ग महिला के बेटे से फोन पर बात की है और घटना के लिए पहले ही माफी मांग ली है और वह उनके संपर्क में है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा ढह जाने से एक शख्स की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। मामले में दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के बयान पर FIR दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा हो गया है। उन्नाव जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी में घुस गई। इस दौरान घर के अंदर बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना माधोगंज थाना क्षेत्र के शेखवापुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दरअसल मंगलवार सुबह एक बस हरदोई से उन्नाव की ओर जा रही थी। माधोगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शेखवापुरा गांव के करीब बस का एक्सीलेटर फेल हो जाने से अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी नुमा कच्चे मकान के अंदर घुस गई। इस हादसे में घर के अंदर बैठे हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। नह की पुत्री अलाउद्दीन, आयशा पत्नी उस्मान, सुफियान पुत्र सफी मोहम्मद, मुमीना पत्नी अली रजा की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग मौके पर घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह के समर्थन में आयोजित जनसभा में कांग्रेस नेताओं की कार्यशैली पर बड़ा हमला बोला।
और कहा कि कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर का उपयोग घूमने के लिए करते हैं और भाजपा गरीबों की जान बचाने के लिए। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन सोमवार को बटकाखापा और अमरावड़ा में जनसभाओं में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अमरावड़ा के हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का कार्य भाजपा सरकार करेगी। कांग्रेस के नेता घूमने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार गरीबों की जिंदगी बचाने के लिए पीएम श्री हेल्थ एम्बुलेंस सेवा चला रही है। कांग्रेस ने आदिवासी महापुरुषों क्रांतिवीरों को कभी सम्मान नहीं दिया। भाजपा सरकार भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में आदिवासी गौरव दिवस मना रही है। भारतीय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अक्सर अपनी हाजिर जवाबी के लिए चर्चा में बने रहते हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट में उनके पास कई ऐसे मामले आते हैं जिनसे सीजीआई चंद्रचूड़ भी हैरान हो जाते हैं और उन्हें भड़कना पड़ता है। ऐसे ही एक मामला मंगलवार को सामने आया जब उनके समक्ष अखिल भारतीय बार परीक्षा में योग्यता अंक कम करने की मांग को लेकर याचिका पहुंची। आइए जानते हैं कि इस याचिका पर सुनवाई में क्या सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मांग की गई कि अखिल भारतीय बार परीक्षा में अयोग्यता अंक कम किया जाए। याचिका में कहा गया कि परीक्षा में योग्यता अंक सामान्य वर्ग ओबीसी के लिए 40% और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 35% होना चाहिए। वर्तमान में जरूरी अंक 45% और 40% है। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय बार परीक्षा में योग्यता अंक कम करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप इतना भी स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन वकील बनना चाहते हैं, आप पढ़ो। तारीख 7 जुलाई रात लगभग 10:10 टर्मिनल 3 पर सिक्योरिटी एरिया यानी एयरपोर्ट के चेक इन एरिया में एक अनजान शख्स काफी बेचैन था। मौजूद सिक्योरिटी ने शख्स की बेचैनी को भांप लिया और उसे चेक इन बैगेज की गहन जांच के लिए रैंडम चेकिंग प्वाइंट पर भेज दिया। किन इन एरिया में शक होने पर जब इसकी जांच की गई तो बैग के अंदर तकिए के कवर से 1,60,00,000 रुपए कीमत के डॉलर बरामद हुए। पूछताछ के दौरान शख्स ने अपना नाम कुलातोव दोस्तोनबेक बताया, साथ ही बताया कि उज्बेकिस्तान का रहने वाला है और वह उज्बेकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर HY426 STD0015 वजह से दिल्ली से ताशकंद जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार उज्बेक शख्स ने अपना सामान दूसरे को पैसेंजर को देने की कोशिश की और बाद में फ्लाइट में चढ़ने से इनकार कर दिया। उसने इमिग्रेशन काउंटर पर भी बीमारी का नाटक किया और टॉयलेट चला गया, जहां उसने अपने बोर्डिंग पास को कमोड में फ्लश करके फेंक दिया। फिर इन गलतियों को देख तुरंत यात्री को सीआईएसएफ सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस स्टाफ ने रोक लिया और उसे डिपार्चर कस्टम ऑफिस ले गए। रैंडम चेकिंग प्वाइंट पर सिक्योरिटी ने उसकी व उसके बैग की तलाशी लेनी शुरू की। फिर सिक्योरिटी ने बैग को XBIS मशीन में डाला तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। फिर दोबारा मशीन में डाला तो उन्हें कुछ तस्वीर दिखी, जिसके बाद तो जो मिला उसके बाद तो सिक्योरिटी के होश ही उड़ गए। कस्टम अधिकारियों की मौजूदगी में उसके चेक इन बैगेज की गहन जांच करने पर तकिए के कवर, बिस्तर की चादरों और महिलाओं के कपड़ों के अंदर लगभग 1,60,00,000 रुपए मूल्य के 1,92,200 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मुहर्रम के मौके पर पाकिस्तान की सरकार डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार ने शिया रैलियों पर आतंकवादी हमलों की आशंका के बीच मुहर्रम के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश में सेना तैनात करने का फैसला किया है। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम सोमवार से शुरू हो गया है। शिया मुसलमान इस्लाम के पैगम्बर के नाती हुसैन इब्र अली की शहादत की याद में महीने से के पहले 10 दिनों के दौरान जुलूस निकालते हैं। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने प्रांतों के अनुरोध के बाद नियमित सेना की टुकड़ियों को तैनात करने का फैसला किया है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सेना की तैनाती अनिश्चितकाल तक लागू रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि तैनाती वापस लेने की तिथि सभी हितधारकों के बीच आपसी परामर्श के बाद तय की जाएगी।
इसी बीच यहां यह भी बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने मुहर्रम के दौरान नफरत फैलाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के मकसद से सोशल मीडिया मंच यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर 13 से 18 जुलाई तक बैन लगाने का निर्णय लिया है। इससे पहले पंजाब प्रांत की सरकार ने 4 महीने से अधिक समय तक एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में तूफान बेरिल ने तबाही मचा दी है। शक्तिशाली तूफान बेरिल की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। तूफान की चपेट में आने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। तूफान कितना भयानक है इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि करीब 30 लाख घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिजली गुल हो गई है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने सोमवार शाम को कहा कि बेरिल ने श्रेणी 1 के तूफान के रूप में माटागोडा के पास दस्तक दी, जिसके बाद स्कूलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों को बंद कर दिया गया। नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि पूर्वी टेक्सास, पश्चिमी लुइसियाना और अरकानसास के कुछ हिस्सों में बाढ़, बारिश और तेज आंधी के आसार हैं। इसी बीच घरों पर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और बाढ़ के पानी में फंसने के कारण ह्यूस्टन पुलिस विभाग के एक कर्मचारी की जान चली गई। आग लगने की घटना में एक अन्य व्यक्ति के मारे जाने की सूचना है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई इमारतें बिना पार्किंग की सुविधा के निर्माण की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। कावेरी चरण बी का प्री कमीशनिंग 15 जुलाई से होगा, BWSSB अध्यक्ष ने कहा। अब हिंदुत्व के रंग में रंगे अजित पवार, मंत्रियों और विधायकों के साथ पहुंचे सिद्धिविनायक। दिल्ली एयरपोर्ट पर बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर के लिए 3 घंटे करना पड़ा इंतजार, पार्किंसन बीमारी से थी पीड़ित। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।